हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज 6 मार्च 2021 की 8 बड़ी भर चुकी अपडेट के बारे में, जिनके फॉर्म आपको जरूर भर लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की जॉब हम आपके लिए लेकर आएँ। ऑल इंडिया की मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इन बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि UPSC में IAS IFS की बड़ी भर्ती आई है, साथ ही में जल बोर्ड एवं नगर पालिका विभाग से भी जो है बम्पर भर्ती निकाली गई है। समाज कल्याण विभाग और परिवहन विभाग से भी वैकेंसीज रखी गई हैं। RO एंड ARO भर्ती 2021 की अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 8 बड़ी भर्ती की अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दें, ताकि आपके स्टेट की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन नौकरी अड्डा ऐप का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी आपको डेली बेसिस पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं हमारी जो आज की टॉप लेटेस्ट 8 बड़ी भर्तियाँ हैं उनकी अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड यहाँ पर हमारी सबसे फर्स्ट नंबर की वैकेंसी आती है DSSB रिक्रूटमेंट से। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें या फिर हम डिपार्टमेंट नेम की बात कर लें तो जल बोर्ड विभाग से वैकेंसी रखी गई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग से वैकेंसीज रखी गई हैं, म्यूनसिपल काउंसिल नगर पालिका परिषद से वैकेंसीज हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन परिवहन निगम से वैकेंसीज रखी गई हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड कृषि विपणन बोर्ड से वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग से वैकेंसीज रखी गई हैं। एंड इसी के साथ में हम बात कर लें पोस्ट नेम के बारे में, तो स्पेशल एजुकेटर प्राइमर एंड असिस्टेंट फॉरमैन, पर्सनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, असिस्टेंट केमिस्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन एंड फार्मासिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर, साइंटिफिक असिस्टेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, कारपेंटर, असिस्टेंट फिल्टर एंड सुपरवाइजर, प्रोग्रामर एंड इसी के साथ में ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के पद पर भी ये वैकेंसीज रखी गई हैं। 1809 पद यहाँ पर टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं। 5200 से 20200 रुपये, 9400 से 34800 रुपये पे स्केल आपको दिया जाएगा। 10वीं पास 12वीं पास, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा और BE BTech वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड 18 से 27 साल, 30 साल और 35 साल एज लिमिट रखी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी से 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। SC ST PH वोमेन एंड एक्सर्विसमैन कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस यहां पर नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन आप इसकी एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। एंड आपका सिलेक्शन प्रोसेस 1-Tier, 2-Tier एंड एग्जामिनेशन के आधार पर रहेगा। यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया की मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। DSSB.delhi.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, या फिर आप DSSB.online.nic.in पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, 14 अप्रैल 2021 लास्ट डेट रखी गई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप इनके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है UPSC रिक्रूटमेंट से, पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग से वैकेंसीज हैं। इसी के साथ में हम बात कर लें पोस्ट नेम के बारे में, तो रेवन्यू ऑफिसर RO समीक्षा अधिकारी एंड असिस्टेंट रेवन्यू ऑफिसर ARO सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर ये वैकेंसीज हैं। 337 पद टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं। 9300 रुपये से 34800 रुपये पे स्केल आपको दिया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल OBC EWS कैटेगरी से 125 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। SC ST एक्सर्विसमैन कैंडिडेट से 65 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी एंड PH कैटेगरी कैंडिडेट से मात्र 25 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहेगा ये प्री एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम आपके जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। UP आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। UPSC.UP.NIC.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 5 मार्च 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड 1 अप्रैल 2021 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस भी आप 1 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। फाइनल सबमिट आप 5
अप्रैल तक कर सकते हैं। 1 अगस्त 2021 को आपका प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हमारी आती है UPSC रिक्रूटमेंट से, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी से, इंडियन सिविल सर्विसेज IAS एंड प्रीमियर एग्जाम 2021 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS के जो है प्रीमियर एग्जाम 2021 यहां पर जो है वैकेंसीज रखी गई है। 822 पदों पर वैकेंसीज है। IAS के 712 पद रखे गए एंड IFS के 110 पद रखे गए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सैलरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल OBC से ₹100 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। SC ST PH कैटेगरी कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब है दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। upsc.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप upsconline.nic.in पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 मार्च 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 24 मार्च 2021 तक अप्लाई कर पाएंगे। 23 मार्च तक एप्लीकेशन फीस ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं। 24 मार्च तक ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और 27 जून 2021 को आपका जो है प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आती है वो आती है UK PSC रिक्रूटमेंट से, पब्लिक सर्विस कमीशन से, रेवी ऑफिसर एंड असिस्टेंट रेवी ऑफिसर के पदों पर ये वैकेंसीज हैं। 19 पद यहां पर रखे गए हैं। ₹9,300 से ₹34,800 पे स्केल दिया जाएगा। BCOM अकाउंटेंसी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 42 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। जनरल OBC कैंडिडेट से ₹226 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। SC ST कैटेगरी से ₹106, EWS कैटेगरी से ₹176 एंड PH कैटेगरी से ₹26 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। UKPSC.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। 5 मार्च तक चाहे आप इनके 5 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड 25 मार्च 2021 लास्ट डेट रखी गई है। सो 23 मई को आपका जो है प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आती है KGBV रिक्रूटमेंट से, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से वैकेंसीज रखी गई है। टीचर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, कुक एंड पियोन और चौकीदार के पदों पर ये वैकेंसीज हैं। 51 पद रखे गए हैं। टीचर के लिए ₹22,000 आपको पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा। अकाउंटेंट के लिए ₹11,000, असिस्टेंट कुक के लिए ₹5,175 एंड पियोन और चौकीदार के लिए ₹5,750 आपका स्टार्टिंग पे स्केल रहेगा। 8वीं पास ग्रेजुएट, TET, BPED, CPED एंड DPED कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल OBC कैटेगरी से ₹100, SC ST कैटेगरी से ₹50 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रतापगढ़ UP आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रतापगढ़.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 20 मार्च 2021 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्रूटमेंट से, जिला अदालत से वैकेंसीज है। ग्रुप डी एम्प्लॉय के पद पर ये वैकेंसीज हैं एंड टोटल 25 पदों पर वैकेंसीज रखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप स्किल चेक कर सकते हैं। 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 70 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। कोई भी एग्जाम आपकी कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड उड़ीसा आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। kotak.courtrecruitment.com पर जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे। 15 मार्च 2021 आपके लास्ट डेट रखी गई है। 19 मार्च 2021 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा 4 बजे से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हमारी आती है NIR DPR रिक्रूटमेंट से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज से वैकेंसीज हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज से स्टेट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर, यंग फेलो एंड क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन के पदों पर वैकेंसीज हैं। 510 पद
रखे गए हैं। स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए 10 पद, यंग फेलो के लिए 250 पद एंड क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन के लिए 250 पदों पर ये वैकेंसीज है। 55,000 रुपये आपको स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए पे स्केल दिया जाएगा। यंग फेलो के लिए 35,000 एंड क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन के लिए 12,500 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। 12वीं पास पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 50 साल एज लिमिट रखी गई है। इसी के साथ में यंग फेलो के लिए 21 से 30 साल और क्लस्टर लेवल के लिए 25 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में जो है तेलंगाना आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। nirdpr.org आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 9 मार्च 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट से, शिक्षा विभाग से। PGT के पदों पर वैकेंसीज हैं। 534 पद रखे गए हैं। 47,600 रुपये से 151,100 रुपये आपको पे स्केल दिया जाएगा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 साल एज लिमिट रखी गई है। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से, जनरल से एंड फीमेल कैंडिडेट से 150 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। SC BC EWS व हरियाणा कैंडिडेट से 175 रुपये एंड फीमेल कैंडिडेट से 75 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। एंड इसी के साथ में PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। रिटर्न टेस्ट साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। hssc.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 18 मार्च तक आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड 22 मार्च तक आप एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। सो अक्टूबर एंड नवंबर 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वहां से आप इनके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की टॉप लेटेस्ट 8 बड़ी भर्तियां। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही मैंने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद दोस्तों।